नमस्कार, वेलकम टू प्लैनेट स्कॉलर एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि व्यापार से करोड़पति बनने के लिए केपी सिस्टम से कैसे एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक अरबपति बनने के लिए आपके पास जबरदस्त धन योग होना जरूरी है, और केपी सिस्टम में अगर आपके पास जबरदस्त धन योग है, 2, 6, 10, 11 हाउस का कॉम्बिनेशन है, चाहे प्लैनेट लेवल पे हो, चाहे नक्षत्र लेवल पे हो, चाहे सब लॉर्ड लेवल पे, तो ये आपको एक अरबपति बनाने के लिए काफी है। और ये ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम ग्रहों में होना चाहिए। और अगर आप व्यापार से धन कमाना चाहते हैं तो व्यापारी बनने के लिए आपके चार्ट में 2, 7, 10, 11 हाउस होना जरूरी है, जो कि आपको बिजनेस में सक्सेस या प्रॉफिट बनाने के लिए सफिशियंट है। अगर 2, 6, 10, 11 एंड 2, 7, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो आप एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं और व्यापार से अच्छे धन कमा सकते हैं, जो कि यहाँ पर मुकेश अंबानी जी की चार्ट में है। तो आज आइए चलते हैं, देखते हैं कि मुकेश अंबानी जी की चार्ट में क्या प्रॉमिस है, क्या 2, 6, 10, 11 2, 7, 10, 11 का कोई कॉम्बिनेशन है, तो अगर है तो कितना है, क्या मैक्सिमम प्लैनेट्स में है। तो ये देखिए, पहले हम किसी विषय में आगे बढ़ने से पहले उस भाव के जो पॉजिटिव नेगेटिव थिंग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 10th हाउस है, ये 10th हाउस में देखिए प्लैनेट लेवल पे 2, 10 एंड नक्षत्र लेवल पे 6, 11 है। 2, 6, 10, 11 ये प्रॉमिस कर रहे हैं प्लैनेट एंड नक्षत्र लेवल पे कि इनका जो करियर है वो बहुत अच्छा करियर जाएगा। और बट यहाँ जो सब लॉर्ड लेवल पे जो है, यहाँ पर प्रॉमिस तो नहीं दिखा रहा है, बट 4th हाउस है। 4th हाउस हो गया लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, होम। तो ये इनका लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग बहुत कुछ है, और एक बहुत बड़ा घर भी है, और ये दिखा रहा है 4th एंड 11th के कॉम्बिनेशन से। देखिए यहाँ पर सैटर्न मर्क्यूरी का जो 4, 11 कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इनका प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत बड़ा बेनिफिट को दिखाता है। तो आइए चलते हैं हमें प्लैनेट लेवल पे। देखिए यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स, इनके जो पॉजिटिव हाउसेस हैं ये ग्रीन मार्किंग किया गया है, और जो नेगेटिव हाउसेस है वो रेड मार्किंग किया गया है। हर प्लैनेट में नेगेटिव मार्किंग तो है, या नेगेटिव या रेड कलर साइन तो है, मतलब ये बिजनेस के लिए बहुत जीवन में इनकी बाधाएं तो आई हैं, बट इनके कंपैरिजन जो 2, 6, 7, 10, 11 का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है या धनयोग होता है, वो भी प्रेजेंट है। जिसके वजह से इनके जीवन में लिटिगेशन आई, अपने भाई के साथ इनका एक लिटिगेशन आया, इनके प्रॉपर्टी रिलेटेड इनको प्रॉब्लम भी आई, इनको चाइनीज बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आई। इनके बहुत प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये आज तक वर्ल्ड में जितने भी मिलियनियर है या बिलियनियर है, उनके नंबरों पे इनको गिना जाता है। और ये जो, और यहाँ पर देखिए 11, 12 का कॉम्बिनेशन हर प्लैनेट के जो मेन्यू है या स्क्रिप्ट है उसमें दिखा रहा है, 11, 12 या 11, 12। यहाँ पर देखिए विनस में 11, 12, यहाँ पर देखिए सन में 11, 12, राहु में देखिए 11, 12, देन आपके चंद्रमा भी देखिए 11, 12, गुरु में भी देखिए 11, 12, एंड आपके सैटर्न लेवल पे भी 11, 12, एंड मर्क्यूरी लेवल पे भी 11, 12 दिखा रहा है। ये 11, 12 आपके इन्वेस्टमेंट से गेन को दिखा रहा है, आपके प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से गेन को दिखा रहा है। तो इनका जो बिजनेस है, इनका पेट्रोकेमिकल्स में बिजनेस है, इनका डिफरेंट फील्ड में इनका बिजनेस है, इनका जियो कम्युनिकेशन उनका भी बिजनेस है। तो ये जो जियो रिलेटेड, जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड इनका इनकम है या प्रोफेशन है, देखिए हर चार्ट में 3rd हाउस इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3rd हाउस इज देयर एंड 10, 11 का दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर केतु में 3, 10, 11, विनस में नक्षत्र लेवल पे 3, 10, 11, सन पे 3, 10, 11, यहाँ पर चंद्रमा में भी 3, 10, 11, राहु में भी 3, 10, 11, और आपके मार्स में भी 3, 10 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स, 6 प्लैनेट्स आर डीलिंग विद 3rd हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। तो इनका कम्युनिकेशन रिलेटेड भी बिजनेस है। और यहाँ पर देखिए केतु, वेनस का नक्षत्र है केतु, सन का नक्षत्र है केतु, देन मार्स का मार्स एंड मून का केतु, जुपिटर का सन। तो इनमें से मैक्सिमम प्लैनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो टेक्निकल प्लैनेट्स है। टेक्निकल प्लैनेट्स मतलब ये टेक्निकल फील्ड में भी बहुत अच्छा किए हैं, इनका करियर पहले टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये जो आपके साथ या आपके पास जो अभी कुंडली है या जो भाव कस्प हैं, इसमें ये दिखा रहा है कि इनके जीवन में बाधा विघ्न आते हुए भी ये बहुत आगे बढ़े,
और किसी व्यक्ति के कुंडली में भी अगर मैक्सिमम प्लैनेट्स 9 से 9 प्लैनेट्स हो, या मैक्सिमम प्लैनेट्स अगर 2, 6, 10, 7, 11 का कॉम्बिनेशन बनता है और वहाँ अगर 7 हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो यहाँ पर या उस व्यक्ति के कुंडली में वो बिजनेस से लाभ कमाने का प्रॉमिस भी है, जो यहाँ पर मुकेश अंबानी की चार्ट में ये साबित हुआ। तो आज हम देखे कि मुकेश अंबानी जी की चार्ट में उनका प्रारब्ध कर्म ऐसा था कि उनका ये प्रॉमिस रहा और जीवन में बहुत ही ऊंचाइयां छुए। तो यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने चार्ट में एजुकेशन, करियर, मैरिज, चिल्ड्रेन रिलेटेड एनालिसिस करना चाहते हैं, या अगर आप वैदिक ज्योतिष, जिसको हम पराशर ज्योतिष बोलते हैं, जैमिनी ज्योतिष, भृगु एस्ट्रोलॉजी इत्यादि का कोर्स टोटल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप मुझे 9078277517 में व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आज की कुंडली विश्लेषण का जो ये विषय था, इसमें विराम लेता हूँ। आगे फिर आपके सामने किसी फेमस पर्सनालिटी के हॉरोस्कोप में कैसे विश्लेषण करते हैं, या उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं कैसे हुए हैं, तो एस्ट्रोलॉजी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो तब तक के लिए मेरे वाणी को यहाँ पर विराम दीजिए। नमस्कार।